अभिषेक कुमार की री एंट्री हुई है, ये है कंफर्म। काफ़ी सारी बातें जो है सामने आई अभिषेक की, अभिषेक को जो है बाहर निकाल दिया गया, अंकिता ने डिसीजन लिया, अंकिता की बड़ी बैंड बजाई मैंने वीडियो बना के, जो कि मेरे दिल से एक एक शब्द जो अंकिता के लिए निकला वो एकदम सही निकला। उसके बाद अपडेट आई कि भाई अंकिता ने पूछ लिया ये बात कि बिग बॉस एक चांस दे सकते हैं क्या, फिर दे दिया बिग बॉस ने चांस, जो कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। दूसरी वाली जो अपडेट थी वो सरासर झूठी थी, दिमाग ही खराब हो गया था। बट अब कंफर्म चीज़ आ गई है भाई, एलिमिनेशन नहीं बोला जाएगा, एक ही एपिसोड में आप लोगों को दिखाया जाएगा कि अंकिता के डिसीजन से जो है बाहर भेजा गया अभिषेक को, और एक रात जो है वो बाहर रहे, और उसके बाद जो है अगले ही दिन रात को बस सोए हैं, अगले ही दिन जो है उनको खाना भेजा गया। फिर वीकेंड के वार के लिए जैसे ये रेडी होते हैं वैसे ही जो है अभिषेक भी रेडी हुए, और उसके बाद जो है उनको सब चीज़ें क्लियर करके, उनके सब बातें करने के बाद, समर्थ और ईशा के ऊपर थूकने के बाद जो है अभिषेक की री एंट्री करवाई इज्जत के साथ। उसने थप्पड़ मारा, कोई सही बात नहीं की, पर प्रोवोकेशन बहुत ज़्यादा थी वहाँ पर, इसके अलावा वो कुछ और कर नहीं सकता था, रूल्स के खिलाफ गया। पर आखिरकार बंदा करता क्या, बिग बॉस के गार्ड्स आने थे, समर्थ को पीछे करना था, क्योंकि घर के अंदर तो ऐसा कोई बंदा या बंदी नहीं थे जो कि समर्थ को प्रोवोकेशन करने से रोक पाता। पर थैंक गॉड अब जो है अभिषेक ने री एंट्री ले ली है, और सलमान खान ने री एंट्री दिलवाई है। बा इज्जत बोलते हैं ना कि बरी होना, बा इज्जत वो अभी घर के अंदर गया है। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाजत, नमस्कार।